दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। शर्म नहीं घिन आ जाएगी आपको इस आदमी के करतूत देखकर। ये आदमी जो एक गरीब आदिवासी पर पेशाब कर रहा है, दावा किया जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला नाम का ये आदमी मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले की ये तस्वीर है और ये आजकल की तस्वीर नहीं है। दावा किया जा रहा है कि ये 10 दिन पुरानी तस्वीर है। दोस्तों 10 दिन पुरानी अपनी इस हरकत में प्रवेश शुक्ला ने कैसे सत्ता की हनक में चूर होकर इसे छुपाने की जोर आजमाइश की और उसके लिए इसने क्या किया, सब कुछ डिटेल में मैं आपको समझाने वाली हूं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। 10 दिन पुरानी ये खबर बताई जा रही है दोस्तों, जब ये प्रवेश शुक्ला नाम का आदमी बड़े आराम से, गलती से नहीं, बड़े आराम से खड़े होकर एक बेचारे गरीब आदिवासी पर पेशाब कर रहा है और ये वीडियो बनवा रहा है। उसके बाद अगले दिन जब इसको अंदाजा हुआ कि उसने बहुत बड़ा कांड कर दिया है और ये उसके राजनीतिक करियर के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, तो ये बकायदा इस आदिवासी से एफिडेविट लिखवा देता है कि जो हुआ वो तो हुआ ही नहीं, यानी कि वीडियो में दिखाया जा रहा है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और जो भी कुछ हुआ उससे इस आदिवासी को कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए इस आदमी में सत्ता की किस हद तक की हनक होगी, कितना रुआब होगा इसको अपनी सत्ता का। और ये इसको ऐसे ही नहीं मिला है, कौन है ये प्रवेश शुक्ला जानिए। प्रवेश शुक्ला नाम का ये आदमी दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि है। हालांकि बीजेपी के विधायक ने घटना सामने आने के बाद कह दिया कि हमारा ये प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन जब ये बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला का प्रतिनिधि बना तो देखिए अखबारों में आर्टिकल छपे और वो आर्टिकल भी अब पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। तो क्या ये आर्टिकल झूठे हैं? इसके अलावा प्रवेश शुक्ला नाम का ये अपराधी बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के बेटे को जन्मदिन की बधाइयां दे रहा है, ये पोस्टर भी सोशल मीडिया में वायरल है। तो फिर बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी विधायक का जब ये प्रतिनिधि नहीं है तो किस अधिकार से ये जन्मदिन की बधाई दे रहा है बीजेपी के विधायक के बेटे को। इसके अलावा दोस्तों ये बीजेपी का कार्यकर्ता है और इसकी मेंबरशिप का जो ये कार्ड है ये भी सोशल मीडिया में वायरल है, यानी कि बीजेपी चाहकर भी अब ये नहीं कह सकती कि ये आदमी बीजेपी कार्यकर्ता नहीं है, क्योंकि ऐसे तमाम सबूत सोशल मीडिया में वायरल हैं। ये आदमी किस हद तक ताकतवर था, मध्य प्रदेश में इसका रसूख कितना जबरदस्त था, आप इन तस्वीरों से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों न केवल इस आदमी की तस्वीर बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के साथ वायरल है, बल्कि कांग्रेस नेता पीयूष बेबले ने तो बकायदा इसी प्रवेश शुक्ला नाम के आदमी की तस्वीर न केवल विधानसभा अध्यक्ष के साथ पोस्ट कर दी, बल्कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ भी इसकी तस्वीर है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो शख्स हैं जो खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट करते हैं। तो जो विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठता है, जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यक्रमों में शामिल होता है, जिस पर दावा किया जा रहा है कि वो बीजेपी विधायक के प्रतिनिधि के तौर पर भी उसकी ये तस्वीरें हैं या आर्टिकल्स हैं, तो आप सोचिए उसकी पहुँच किस हद तक सरकार में होगी। क्या उसी पहुँच के दम पर, उसी पहुंच के गुरूर में इस आदमी ने यह हरकत की? हालांकि पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सामने आए और उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इस आदमी पर न केवल NSA लगाया गया बल्कि SC ST एक्ट के तहत तमाम और धाराएं लगाई गई हैं। दोस्तों ये मामला इतना सेंसिटिव था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद एक्टिव मोड में आ गए। उन्होंने रात में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह दिया कि किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती। जब उनसे ये पूछा गया कि जो ये प्रवेश शुक्ला है, ये बताया जा रहा है कि ये बीजेपी कार्यकर्ता है, तो शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अपराधी की कोई पार्टी या धर्म नहीं होता है। और उसके बाद रात से ही मध्य प्रदेश पुलिस हरकत में आ गई और इसकी धरपकड़ शुरू हो गई। और अब पत्रकार रणविजय सिंह द्वारा ये वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने धर लिया है, प्रवेश शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी डिटेल्स भी मैं आगे आपको बताऊंगी दोस्तों, लेकिन जरा इस आदमी की बॉडी लैंग्वेज देखिए। इतना भयानक कृत्य करने के बाद जिसने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया है, देश के लोगों की संवेदनाएं एक तरह से हिलाकर रख दी हैं, ये आदमी कितनी अकड़ से चल रहा है, पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे ये आरोपी। किसी और राज्य में अगर ऐसी कोई हरकत हो जाती और उसके बाद अपराधी पुलिस के आगे ऐसे चल रहा होता जैसे कि पुलिस को लीड कर रहा है, तो आप सोचिए मीडिया ने क्या हश्र कर दिया होता इस वीडियो का। आखिर इतने बड़े, इतने सेंसिटिव इशू पर जो अपराधी है
वो इतने रॉब से कैसे चल रहा है? बड़े मजे से वो खुद ही थाने के अंदर जा रहा है और पुलिस उसके बाद उसके पीठ पर हाथ रखती है और उसके बाद उसे कमरे में ले जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इस आदमी की फेसबुक प्रोफाइल भी मैंने खंगाली है। देखिए, ये आदमी अपने आप को बीजेपी का कार्यकर्ता बताता है, खुद का बीजेपी का एसोसिएशन छुपाता नहीं है ये। इसकी पूरे फेसबुक में ऐसी फोटोज भरी हुई है। सबसे पहले तो आप इसके कवर पेज में देखिए, कवर पेज में बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला के साथ इसने अपनी फोटो चस्पा की हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट फोटो होती है वही हम कवर पेज में डालते हैं। इसके बाद आप इसकी फेसबुक टाइमलाइन खंगालेंगे तो तमाम बीजेपी के जितने छोटे बड़े कार्यक्रम होते हैं उसमें ये शिरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर उन कार्यक्रमों को प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा खास तौर पर बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला के कार्यक्रमों को खास तौर पर न केवल ये प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि केदारनाथ शुक्ला पर जो आर्टिकल्स स्थानीय अखबारों में छपे हैं उनको भी आदमी शेयर कर रहा है। यानी कि ये आदमी कहीं से भी खुद के बीजेपी कार्यकर्ता होने की बात नहीं छुपा रहा है। खास तौर पर अब बीजेपी क्योंकि इससे कन्नी काटने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि खुद ये चीख चीख कर, इसका प्रोफाइल चीख चीख कर इसके बीजेपी कार्यकर्ता होने के सारे सबूत देता है। लेकिन बड़ा सवाल ये है जो कांग्रेस पूछ रही है कि क्या प्रवेश शुक्ला के घर में बुलडोजर चलेगा? दोस्तों, ये खबर इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी कि ना चाहते हुए भी टीवी को ये खबर दिखानी पड़ी। तो एक बड़े चैनल के रिपोर्टर ने जब बीजेपी विधायक से पूछा कि क्या अब प्रवेश शुक्ला के घर पर बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो अब बुलडोजर मामा के तौर पर विख्यात हो गए हैं, तो फिर बीजेपी के विधायक केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि कुछ अवैध बना होगा तो जरूर चलेगा। दोस्तों, मेरा सवाल ना बुलडोजर से आगे का है। मैं मानती हूँ कि चलिए आपने प्रवेश शुक्ला को पकड़ भी लिया, उसको आपने कठोर से कठोर सजा भी दे दी, उसके घर में आपने बुलडोजर भी चला दिया, चलिए अच्छी बात चला दिया, लेकिन क्या इतना काफी है? क्योंकि इस आदमी ने केवल अपराध नहीं किया है, अपने उस अपराध को छुपाने के लिए एक पीड़ित को मजबूर किया कि वो झूठा हलफनामा लिखवाए। ऐसे आपराधिक मानसिकता वाले आदमी जो बीजेपी के सदस्य होने का दावा करते हैं, ऐसे आदमियों को इतनी ताकत मिलती कहां से है? इनके रक्षक कौन है, इनके संरक्षक कौन है? लेकिन सवाल इससे बड़ा है दोस्तों। मध्य प्रदेश हमारे देश में उन राज्यों में से एक है जहां आदिवासियों पर अत्याचार के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं, और ये मैं नहीं कह रही हूं, NCRB का सरकार का आंकड़ा कहता है, नंबर वन है मध्य प्रदेश इस देश में आदिवासियों पर अपराध में। दोस्तों, इस पूरे मामले में कांग्रेस लगातार अब बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कमलनाथ सहित तमाम कांग्रेस के नेता ट्वीट्स कर रहे हैं इस पूरे मामले में। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी आबादी आदिवासियों की, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो बार बार खुद को आदिवासी हितैषी बताने के लिए कभी आदिवासियों को चप्पल पहनाते हैं तो कभी उन्हें हेलीकॉप्टर में घुमाते हैं। कांग्रेस अब ये पूछ रही है कि खाली हेलीकॉप्टर में घुमाने या चप्पल पहनाने से कुछ नहीं होता है, जब आपके नेताओं की मानसिकता ये है कि वो एक आदिवासी पर पेशाब करते हैं। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चुनाव तो आते जाते रहते हैं, सरकारें भी बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन यह तस्वीर एक समाज के तौर पर हमारे लिए आईना है भाई, कि एक आदमी दूसरे आदमी के साथ ऐसा करने की सोच भी कैसे सकता है, किसी भी तरह से ऐसी हरकत एक समाज के तौर पर हम बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश में जाते हैं तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और वाकई में हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हमें भी खुद में झांकने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को हम कैसे अपने समाज में बर्दाश्त कर सकते हैं। ना केवल इस आदमी पर कार्रवाई होनी चाहिए बल्कि एक नजीर पेश होनी चाहिए कि कोई चाहे किसी भी समाज से आता हो, कोई चाहे किसी भी पार्टी से आता हो, किसी की कहीं भी कोई सरकार हो, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसी हरकत दोबारा करने छोड़िए सोचने की भी। आप इस मामले में किसकी गलती मानते हैं दोस्तों? इस मामले को समझकर सोचकर आपके मन में पहला ख्याल क्या आया, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, मेरा ये चैनल नया है, जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिंक्स को शेयर कीजिए, मेरे फ्री जर्नलिज्म की इस मुहिम को आपकी मदद की सख्त जरूरत है, जितना हो सके मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, शुक्रिया।